मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आज का सेशन होने वाला है दैट विल बी एसएसबी शेड्यूल। आप सभी का सपना है डिफेंस ऑफिसर बनना, लेकिन डिफेंस का एग्जाम रिटन क्लियर करने के बाद एसएसबी इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको अपना सपना पूरा कराने में हेल्प करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप एसएसबी से रिकमेंड हो जाते हैं तो ये लगा लीजिए कि आपका 80% काम तो हो ही चुका है। एसएसबी एक 5 डेज इंटरव्यू होता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि उन 5 दिनों में आपको क्या क्या करना होता है। पहली चीज़ क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग क्या है कि आपके कॉल लेटर्स में आपको एड्रेस मेंशन होता है, रेलवे स्टेशन जंक्शन जहां आपको रिपोर्ट करना होता है, प्रेफर फॉर्मल्स वाइल रिपोर्टिंग, आपका वहां डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। फिर आपको डिफेंस पर्सनल्स ही आते हैं आपको पिक करने, वो आपको एसएसबी बोर्ड ले जाते हैं, वहां पर भी आपको गैदर कर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, वेलकम करते हैं, आपसे एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आए फॉर्म फिल कराते हैं जो आप ही के बारे में होता है। अब जब हम एसएसबी की स्टेजेस की बात करते हैं तो एसएसबी की 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं। आप इतनी दूर से आए होते हैं एसएसबी बोर्ड, इट्स नेसेसरी कि आप स्क्रीन इन हो जाएं, क्योंकि अगर आप स्क्रीन इन होते हैं तभी आप बाकी के 3 दिन एसएसबी सेंटर पर स्पेंड करने वाले हो और बाकी के सारे टेस्ट को करने वाले हो, तो इट्स नेसेसरी कि आप स्क्रीन इन हो ही जाए। और जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो उसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट दैट इज OIR और एक होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट दैट इज PPDT। जब हम OIR की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर 2 रीजनिंग टेस्ट होते हैं जो 20 to 30 मिनट्स के होते हैं, 20 to 30 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और आपको रेट किया जाता है OIR फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर आप फर्स्ट या सेकेंड रैंक में आ रहे हो तो दैट मीन्स यू हैव गुड एप्टीट्यूड। फिर PPDT होता है थोड़ी ब्रेक के बाद। इस PPDT में क्या करते हैं, वो आपको एक पिक्चर शो करते हैं फॉर 30 सेकेंड्स। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है 30 सेकेंड्स के लिए, फिर आपको 1 मिनट मिलता है जहां पर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उनका मूड, उनका एज और अपनी स्टोरी का थीम लिखना होता है। देन दे विल गिव यू 4 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी और आपको यहाँ पर स्टोरी लिखनी होती है। हम सब पढ़ने वाले हैं कि स्टोरी कैसे लिखी जाती है कैसे नहीं लिखी जाती है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो आपको फिर से न्यू चेस्ट नंबर एलोकेट किए जाते हैं और फिर आप स्टेज 2 पर जाते हैं। स्टेज 2 के अंदर आपके 3 टेस्ट होते हैं, 1 इज योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, देन इज योर इंटरव्यू एंड देन योर ग्राउंड टास्क। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें आपका पहला टेस्ट होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट दैट इज TAT। TAT में क्या होता है, आपको 12 बैक टू बैक पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जैसे कि PPDT में होता है, एक ब्लैंक स्लाइड होती है जिसमें आप अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं और आपको वही सेम 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए। 4 मिनट्स में आपको स्टोरी लिखनी होती है बैक टू बैक जो कि 12 चलेगी। फिर होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दैट इज WAT। WAT में आपको 60 वर्ड्स फ्लैश किए जाते हैं, हर वर्ड 15 सेकेंड्स के लिए रहता है। उन 15 सेकेंड्स में आपको वो वर्ड देखना भी है, आपको सेंटेंस फ्रेम भी करना है और आपको लिखना भी है। तो आपके मन में जो पहला थॉट आएगा वही आप उसमें लिख पाएंगे। देन इज योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT। इसमें क्या होता है, आपके पास 60 सिचुएशंस होती हैं, 30 मिनट्स होते हैं और आपको अपना रिएक्शन लिखना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एंड देन लास्ट में आपका होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट सारे के सारे एक दिन में ही हो जाते हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको अपने बारे में लिखना होता है, जहाँ आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मिनट का टाइम होता है। व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और आप उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है दैट टेस्ट योर साइकोलॉजी। देन आता है आपका इंटरव्यू टेस्ट, और इंटरव्यू में क्या होता है, आपका मन को टेस्ट किया जाता है कि आपका मन कैसा है, व्हाट योर हार्ट्स टॉक अबाउट। इंटरव्यू मेरे हिसाब से SSB का बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू। जो आपका इंटरव्यू ऑफिसर होता है वो आप ही के बारे में पूछता है। 20 to 30 मिनट्स आपका इंटरव्यू चलता है कि आपने अब तक क्या किया है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट यू आर प्रेजेंट डूइंग एंड ऑल दोस थिंग्स, व्हाट योर फैमिली आर, फ्रेंड्स आर, तो वो दैट इज ऑल अबाउट यू। फिर होता है आपका ग्राउंड टास्क। जो आपका ग्राउंड टास्क ऑफिसर होता है वो आपकी वेरियस टास्क कराते हैं जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जा सके। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, दैट इज योर ग्रुप डिस्कशन GD होता है। GD में क्या होता है, आपको 2 टॉपिक्स दिए जाते हैं, आपको 2 टॉपिक्स पर डिस्कस करना होता है। एक वो करंट से रिलेट कर लेते हैं और एक कोई बहुत फेमस टॉपिक होगा वो उससे रिलेट कर लेते हैं, दैट इज टोटली देयर विश। फिर होता है आपका एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE, जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और आपको एक टीम वर्क के थ्रू आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है।
फिर दैट नेक्स्ट होता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, दैट इज PGT। यहाँ पर आपको क्या होता है, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आपको एक एंड से दूसरे एंड तक जाना होता है। आपके पास प्लैंक्स होते हैं, रोप होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं वो आपको, जो कि आपको उन हर्डल्स को क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट होता है आपका स्नेक रेस, सबसे एंटरटेनिंग टास्क होता है SSB का, एक ग्रुप टास्क होता है जहाँ पर आप सारे के सारे चार ग्रुप होते हैं, आपका एक वॉर क्राई होता है और इतना मजा आता है इस स्नेक रेस में, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है आपका लेक्चर एट क्या होता है, 3 मिनट के लिए आपको किसी भी टॉपिक पर लेक्चर देना होता है। यू हैव ऑप्शंस आउट ऑफ 4, आप कोई भी टॉपिक चूज करें और 3 मिनट के लिए आप उस टॉपिक पर बोलते हैं। फिर देन नेक्स्ट इज योर हाफ ग्रुप टास्क, यहाँ आपके ग्रुप को क्या करते हैं, वो हाफ में डिवाइड कर देते हैं। फिर से कुछ हर्डल्स होते हैं आपके सामने और आपको एक एंड से दूसरे एंड पर जाना होता है विद द हेल्प ऑफ योर जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे। नेक्स्ट होता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में क्या होता है, आपके 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आपको अकेले परफॉर्म करना होता है और आपके पास 3 मिनट का टाइम होता है। उस 3 मिनट में दे चेक कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, योर माइंड, योर एक्शंस, योर कि दे आर वर्किंग स्मूथली और नॉट। फिर होता है आपका कमांड टास्क, जहाँ आप कमांडर होते हैं, आप एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचते हैं, हर्डल्स होते हैं आपके सामने। और नेक्स्ट होता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क, जो फिर से आप एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, जो भी आपका ग्रुप होगा वो सब मिलकर उन हर्डल्स को क्रॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब आपके SSB सारे टास्क हो जाते हैं, नेक्स्ट डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, जब आप रिकमेंड हो जाते हैं, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर हो जाता है और आपके ब्लैक कलर का चेस नंबर मिलता है और फिर आपकी मेडिकल टेस्टिंग होती है। एंड आई एम श्योर यू ऑल विल गेट रिकमेंड। An academy. Let's crack it.